हाँ तो भाइयों और उनकी बहनों, क्या हाल चाल है? एक 10 किलो, दो 10 किलो, पौने 3 किलो, 3। अबे वो भोंगे, ये क्या कर रहा है तू? और ये डोले वोले ये क्या बनाया हुआ तूने, क्या करना चाह रहा है? ज्यादा कुछ नहीं, ये मैं तैयारी कर रहा हूँ मोदी से बदला लेने की, और डोलों की बात कर रहा है ये देख की डोले शोले। अरे वाह भाई वाह कद्दू, तूने तो बॉडी बॉडी बना ली यार, क्या बात है तेरी। यार मुझे एक बात बता, ये मोदी का दिमाग पहले से खराब है या अभी पेशाब पी के हुआ है? यार मुझे जहाँ तक लगता है ना यार, ये बहुत ही बड़ा कोई बगैरत इंसान है। ठीक है, कोई इतना बगैरत कैसे हो सकता है? ये इंसान तो है नहीं, इंसान लगता ही नहीं मुझे कहीं से। ये चाय वाला है तो बगैरती तो खून में ही होगी ना। नहीं मतलब इस नफसियाती के बच्चे ने तो हद ही कर दी है यार। सुबह निहार वो पेशाब, दोपहर के खाने से पहले पेशाब, और रात को सोने से पहले पेशाब, हर जगह पेशाब पेशाब पेशाब। तो ये क्या गंदी बातें लेके बैठ गया है यार? असल में बात कुछ ऐसी है ना यार, कि गंदे लोगों को ना गंदी बातों से ही बयान किया जाता है। वैसे एक बात तो तूने बिल्कुल ठीक बोली, ये साला हरामी बिल्कुल ऐसा ही है। ये साला इंडिया में इतना बदनाम हो चुका है ना कि इंडियन अवाम इसी को सारा बुरा बुरा बोल रही होती है। कैसे? बता दे मुझे। अरे यार कल मैं जब पबजी खेल रहा था ना, तो मेरे साथ एक इंडिया का बंदा लगा था, तो मैंने उससे पूछा यार तुम लोग कश्मीर पे इतना जुल्म क्यों कर रहे हो, तो पता उसने आगे से क्या बोला? क्या बोला वो? वो बोल रहा था कि अगर वो इंडियन आर्मी में होता तो अब तक वो खुदकुशी कर चुका होता। अच्छा, इंडियन अवाम खराब नहीं है, इस गधे के बच्चे ने सबको खराब कर दिया है। हाँ भाई बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल यही सीन चल रहा है वहाँ पर। यार तुम्हें भी कश्मीर के लिए कुछ करना चाहिए, देखो मुझे, मैं भी तो कर रहा हूँ डोले शोले बना के। हाँ हाँ भाई बिल्कुल तू सही बोल रहा है। तो भाइयों जो जो मुझे लोग सुन रहे हैं, तो वो अपने 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 घरों के अंदर पाकिस्तान के झंडों के साथ कश्मीर के झंडे भी लगाओ, कुछ भी नहीं तो यार कम से कम इजहारे यकजहती तो करो ना यार उनके साथ। यार भाइयों ये काम जरूर करना। तो भाइयों आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, सब्सक्राइब नहीं करता सब्सक्राइब कर दो, और हाँ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जाके फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ इस बेल आइकन पे तुम अपना डोला मारो या वेट मारो, मुझे नहीं पता ये क्लिक हो जाना चाहिए। मेरा एक दोस्त है यूट्यूब पर, हमटी भाई के नाम से, बहुत जबरदस्त लाइव स्ट्रीमिंग करता है। वीडियो के एंड में इसके चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो जरूर जाके इसको सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। मिलता हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज़। 1, 2। अबे साले कद्दू, तूने फिर से वही हरकत की है, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। आज नहीं करूंगा तेरे से, अबे मेरे पास डोले हैं, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। और तुम लोग जाना मत अभी, ये आखिरी वीडियो देख के जाना। मैं तो आई क्योंकि मेरे कश्मीरी दोस्तों के लिए, क्योंकि वो हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर, एंड आई विल फाइट फॉर देम, दे आर ब्रदर्स, एंड आई विल रेज वॉइस फॉर देम एंग्रीली। मोदी को मैं ललकारी थी, और मैं मोदी को, मैं बहुत गुस्सा हूँ उसके साथ। I'm not afraid of him. I'm brave. I have the power of Iman and I'll do anything to defeat him. This is our time to stand and raise voice for Kashmir. दो टके की धमकी देकर समझे तू बलवान है, जिसको तूने ललकारा है कोई और ना पाकिस्तान है। ये चीर के रख देगा तुझको, काली रातें छा जाएंगी, भारत होता था तारीख में बातें ये आ जाएंगी। तू कुत्ते की मानिंद भोंके, हम शेर की मानिंद दाड़े।